कांग्रेस से सलीम इकबाल शेरवानी ने कराया नामांकन। बदायूं जनपद से कांग्रेस ने बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके सलीम इकबाल शेरवानी को लोकसभा बदायूं प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर कराया नामांकन। प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी ड्यूटी सतर्कता से करते हुए नजर आए। ड्रेन कैमरे से रखी जा रही है नजर। आपको बता दें कि साल 1996 में सलीम शेरवानी सपा के खेमे से बदायूं लोकसभा सीट से लड़कर बदायूं से सांसद पहुंचे। 1998, 1999 और 2004 में भी सलीम शेरवानी बदायूं से सांसद रहे। इसके बाद बदायूं में एंट्री हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले धर्मेंद्र यादव की, जिन्हें 2019 में और 2014 में धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर मैदान में उतरे और जीत हासिल कर सांसद पहुंचे। धर्मेंद्र यादव सपा सांसद के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी के हारने की मुख्य वजह यह रही थी कि 25 साल सांसद रहने के बावजूद भी सलीम इकबाल शेरवानी ना ही बदायूं लोकसभा में कोई विकास कार्य करा पाए और ना ही किसानों को कोई भी रोजगार दिया और ना ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया था। इसलिए सलीम इकबाल शेरवानी को जनता ने हरा कर सांसद धर्मेंद्र यादव को जिताकर सलीम इकबाल शेरवानी को हरा कर हार का मुखौटा बनाया था। देखिए, मैं समझता हूँ इसका बहुत असर होगा, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से जो मैं घूम रहा हूँ, इससे पहले कि मैं कोई बात कहूँ पब्लिक मुझसे पूछती है। और इस बयान को अभी मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पहले जो हमारे पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के रघुराम राजन साहब, उनका भी ये बयान आया है कि ये स्कीम जो है बिल्कुल लागू की जा सकती है और ये बहुत अच्छी तरह चल जाएगी और ये इकोनॉमिक भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि राहुल गांधी साहब ने का ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसको सिर्फ हवा में वो नहीं बोल सकते, क्योंकि पब्लिक जो है वो जवाब मांगेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका असर भी होगा। 2 चीज़ों का बहुत असर है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। एक तो कर्जा माफी का है किसानों का, और दूसरा ये सपा से या बीजेपी से। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये केंद्र की लड़ाई है और इस केंद्र की लड़ाई में या तो कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीजेपी बनाएगी सरकार। तो मैं तो सीधा समझता हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। जो विकास कराया है, अगर मैं नहीं कराता होता तो 5 दफ़ा मैं सांसद कैसे हो जाता। मैं सबसे बड़ा उद्योग बदायूं के इतिहास में लेके आया, टाटा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैं बड़ी रेलवे लाइन यहाँ लेके आया। ये पूरा सूखा इलाका था सैसवान का, उसैद का और बिलसी का, इसमें मैंने ट्यूबवेल के जाल बिछवाए। मैं सड़कों के लिए पैसा लाया। मैंने टेढ़ा घाट का पुल, रसू पुल, कला का पुल, ये आपका कचरा के पुल की भी शुरुआत मैंने अपने आप से कराई, जोनेरा का पुल, और पता नहीं कितने मैंने स्कूल और कितने मैंने छोटे छोटी नर्सरीज खड़ी की। ये सच है कि मेरा जो भी काम हुआ वो डायरेक्ट पब्लिक के बीच में हुआ। मेरे किसी आदमी ने ना ठेका किया, ना मैंने ठेका किसी अपने आदमी को दिया। मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी के आने से कांग्रेस के वर्कर्स में एक ज़बरदस्त उत्साह और मूवमेंट आ गया है और एक उमंग और एक उम्मीद भी उनके साथ शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रियंका जी के आने की तकलीफ जो है वो बीजेपी को है। वो बार बार कह रहे हैं नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, और अगर नहीं इफेक्ट होगा तो आप परेशान क्यों हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। प्रियंका जी ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और आप देखेंगे जब वो बधाइयों आएंगी आप खुद ही